ऐसा लगता है कि आरती जितना दिखाती है उतना अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। एक काम करो, तू अपना ये दिखावा बंद कर दे और मैं अपनी तलाश बंद कर देता हूं। नहीं 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 सर जी, एक माँ अपनी बेटी के लिए शर्त तो क्या मौत भी मंजूर कर लेती है सर जी, इसलिए मैं अपनी मुस्कान के लिए आपकी सारी शर्त मानने को तैयार हूं सर जी। ये हुई ना बात, मुझे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद हैं और मुझे वो खूबसूरत लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं जिनके पास थोड़ा सा दिमाग भी होता है। ये आपकी अदा मुझे बहुत अच्छी लगी। जा ढूंढ ले, बचा ले अपनी बच्ची को, जा आजाद है तू, जा। अगर हम सभी लोग एक साथ रहेंगे ना तो बच्ची का मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं, आप उस डायरेक्शन में जाइए, हम इस डायरेक्शन में ढूंढते हैं उसको। ठीक है। हे माँ दुर्गा, यह तक तो रास्ता दिखा दिया आपने, बस आगे का भी दिखा दीजिए। आज इस माँ को अपनी बेटी से मिला दीजिए माँ, मुझे मेरी मुस्कान से मिला दीजिए माँ। मुझे मम्मी के पास जाना है। प्लीज प्लीज रो मत, चुप हो जा। मेरे को छोड़ दो, मेरे को मम्मी के पास जाने का। पापा आप कहाँ हो? प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। बेटा कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उस आते हुए प्रॉब्लम से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि जहां प्रॉब्लम होती है वहां सॉल्यूशन भी होता है। मम्मा ने सही कहा था, जहां प्रॉब्लम होती है वहां सॉल्यूशन भी होता है। कहीं कोई सुराग मिला? नहीं, वहां भी नहीं है। पता नहीं कहां चली गई, कहां ले गए होंगे उसे। चलो उधर देखते, आ जाओ। हाँ आइए उधर। देवी माँ इस माँ बेटी की मदद जरूर करेगी। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, रो मत, मुझे अपना फ्रेंड ही समझो और मेरे पास आओ। आओ यहाँ से निकलने का मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? वो बहुत सारे बड़े बड़े हैं और हम सब कितने छोटे हैं। मैं समझाती हूँ, टीचर जी ने मुझे एक बार सिखाया था, वन और वन को साथ रखो तो वो 11 बन जाते हैं।
वैसे ही हम वन वन मिल जाएंगे तो बड़े बन जाएंगे और आराम से यहाँ से बाहर निकलेंगे। बस हमें वन और वन को साथ रखना होगा 11 बनाने के लिए। लेकिन कैसे? रुक, मैं अभी बताती हूँ। इधर आ। जी सर मुस्कान का अब तक कुछ पता नहीं चला है। हमने चप्पा छान मारा है लेकिन सर जल्द मिल जाएगी। दादा जी, मेरे साथ वहाँ एक बार चलेंगे प्लीज। मुझे लगता है मेरी मुसो एक ही है। लेकिन मैडम वहाँ पे तो हमने चप्पा छान मारा है, वहाँ पे कोई नहीं है। एक बार प्लीज मेरे लिए एक बार चलिए। वहाँ ऊपर से बहुत देर से कोई कंकड़ पत्थर फेंक रहा है सर। अब आप ही बताइए सर, ये वीरानी जगह में कोई अपनी मर्जी से तो आएगा नहीं ना? यहाँ वही आएगा जो मुसीबत का मारा होगा, समझी? चलो देखते हैं, आओ। चलिए। क्या हुआ, कुछ पता चला? मुस्कान के देवता के आने का वक्त हो गया, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? आपने हमें याद किया और हम हाजिर। आइए आइए। क्या हुआ, हमें देखकर सबको सांप क्यों सूंघ गया? गलत टाइम पर आ गए क्या, या कोई गलती पकड़ ली, या कहीं हमसे कुछ गलती हो गई? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, गलतियां तो इंसानों से होती हैं। आप तो देवता हैं। अब आप शाम को आने वाले थे तो हम उसी की तैयारी कर रहे थे। हाँ, लेकिन शाम तक हम रह नहीं पाए। परी की आवाज हमारे कानों में गूंजने लगी और हमारी दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई, तो दिल के हाथों मजबूर होकर हमें यहाँ आना पड़ा। मैं जरा आता हूँ। जी, मगर खाली हाथ मत आइएगा, हमारे खास मेहमान आए हैं। यहाँ से कोई तो पत्थर फेंक रहे, इसका मतलब अंदर जरूर कोई है। चलिए ना जाके देखते। आइए आगे देखते हैं।
आइए। परेशान हो रहे परेशान हो जाएगा समझा। चल ऊपर दरवाजा खोल जाइए। चलो चलो जल्दी चलो लेके चलो जल्दी जल्दी चलो 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 लाइन लगाओ लाइन लाइन लेके जल्दी जल्दी। क्या हुआ सब? अरे चलो चलो आरती। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सब रिपेयरिंग कर रहा हूँ, बारिश का पानी छूटा इसलिए पट्टा लगा रहा हूँ। सब आने की कोई खास वजह? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ सर। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है मेरे मुंह से यही गई थी। मौसु? कौन मौसु? इधर तो कोई नहीं है साहब। अपना काम कर चला जाओ। दुर्गा साहब हमारे सिवाय आपके यहाँ कोई नहीं मिलेगा, फिर भी आप किसी को ढूंढ रहे तो तसल्ली से आप देख लीजिएगा, इसमें आपका ही टाइम वेस्ट होगा। आरती हमें यहाँ से चलना चाहिए। आओ। सर हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, इस माँ का मन कह रहा है। मेरी मुसु यही कहीं मेरे आसपास ही है। बिना किसी सुराग का तो हमें अब माँ के मन पर ही भरोसा करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। खैर अब तो हमारी पूरी टीम जब तक तुम्हारी बेटी को ढूंढ नहीं लेते चैन से नहीं बैठेगी, ठीक है ना? चलो चलते हैं। अरे हम यहाँ पानी पीने नहीं, अपनी परी से मिलने आए। कहाँ है वो, बुलाइए तो। अरे आई रही होगी। अम्मा अम्मा बच्चे कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। बच्ची नहीं मिल रही? किस बच्ची की बात हो रही है? कहीं अपनी परी तो। नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बोलो तबस्सुम क्या हुआ? अगर परी की बात नहीं हो रही तो किस बच्ची की बात हो रही है? अरे आप भी किन लफड़ों में पड़ रहे हैं। अरे मोहल्ले की एक बकरी है, उसी की बच्ची के साथ आपकी परी दिन भर खेलती है, अब वो सुबह से मिल नहीं रही तो उसी को ढूंढ रहे हैं।
हाँ वही बच्ची, पता नहीं कहाँ चली गई है, सुबह से मिल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, हम अपनी परी के लिए बकरी की बच्ची क्या, जिस जानवर की बच्ची चाहेगी वो मंगवा देंगे। बुलाइए तो उसे। जी। बहुत होशियार बनती ना तू, देख अब तुझे बताता हूं। हाँ सुरेश भाई, खूब भालो ठीक है, आते हैं। लगता है हमारी परी भी कहानियों वाली परी जैसी हो गई है, मिलना नसीब ही नहीं हो रहा। आज तो मिलना क्या, देख भी नहीं पाए। खैर कुछ अर्जेंट काम आ गया है, हम अपनी परी के दीदार के लिए किसी और दिन आएंगे। यहाँ पे कोई गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनी, गाड़ी है, चलो।